अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज संडे का दिन था और यहाँ तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका था और सबसे पहले मैंने उठकर गर्म पानी किया और उसको लेकर मैं टेरेस पर आ गई थी। और आज मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ फिर बच्चे भी उठ चुके थे और छोटे वाले बेटे को आज थोड़ा लेट जाना था, तो यहाँ फिर मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। और आज बड़े बेटे का टोटली ऑफ था और आज हम लोगों का प्लान यही था कि हम लोग वाशिंगटन DC जाएं। और तकरीबन 4 बजे के करीब हम लोग निकल पड़े थे क्योंकि जाहिर है कि गर्मी भी होती है, तो हमारी यही कोशिश थी कि 2-2.5 घंटे जाते हुए लगेंगे और पहुंचते हुए हमें तकरीबन 6 बज जाएंगे, तो ये परफेक्ट टाइम होगा। और तकरीबन 6:30 बजे हम लोग वाशिंगटन DC में पहुंच चुके थे और सबसे पहले हमारा जो डेस्टिनेशन था वाशिंगटन मोनूमेंट था। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे और ये जो मुकाम है ये अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन की याद में बनाया गया था, जो कि अमेरिका का पहला सदर था। तो यहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे और यहाँ फिर हम लोगों ने भी अपने पिक्स वगैरह बनाई। और इसके बाद ज़ाहिर है इसके आसपास ही काफ़ी सारे मुकामात हैं, तो तकरीबन वॉक करके ही आप जा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी गाड़ी इसी के सामने पार्क कर दी थी और फिर यहीं से हम लोगों ने इकट्ठे 1-2-3 जो मुकाम थे ये हम पैदल ही गए थे, क्योंकि ये पास पास ही है, नेशनल मॉल के ऊपर ही ये सारे बने हुए हैं। आप बल्कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप अपने कैमरे को घुमाते हैं तो बिल्कुल ही सामने आपको सारे ये जो मुकामात हैं ये आपको नज़र आएंगे। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये लिंकन मेमोरियल है और इसके सामने रिफ्लेक्टिंग पूल है। और यहाँ से हम लोग वॉक करते हुए आ रहे थे और यहाँ काफ़ी रौनक वगैरह थी, यहाँ ड्रम्स वगैरह बज रहे थे और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे रिफ्लेक्टिंग पूल के मुकाम पर। तो यहाँ काफ़ी हिस्टोरिकल इनकी हिस्ट्री है, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये देखने में काफ़ी खूबसूरत था। और काफ़ी यहाँ लोग पिक्स वगैरह बना रहे थे और हम लोगों ने भी यहाँ बैठ कर काफ़ी इंजॉय किया और पिक्स वगैरह बन। रिफ्लेक्टिंग पूल वाशिंगटन मोनूमेंट के बिल्कुल करीब वाक़िया है और ये पूल वाशिंगटन मोनूमेंट और लिंकन मेमोरियल के दरमियान नेशनल मॉल पर वाक़िया है। रिफ्लेक्टिंग पूल एक लंबा और चौड़ा पानी का ज़खीरा है जिसमें वाशिंगटन मोनूमेंट और लिंकन मेमोरियल के अक्स नज़र आते हैं, जो एक खूबसूरत मंजर पेश करता है और सियाहों के लिए एक मशहूर मकाम है। और यहाँ से फारिग होने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन व्हाइट हाउस देखने का था और व्हाइट हाउस देखने का मुझे शुरू से ही काफ़ी शौक़ था। और यहाँ हम लोग तकरीबन थोड़े ही टाइम में यानी 5-10 मिनट के अंदर ही हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ कुछ लोग भी आए हुए थे और यहाँ फ़लस्तीन के लिए कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और फ़लस्तीन के उन्होंने झंडे उठाए हुए थे। और ये सच में बहुत ही खूबसूरत शाम भी हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहा था व्हाइट हाउस। और यहाँ तकरीबन हम लोगों ने 10-15 मिनट ही स्पेंड किए थे क्योंकि मेरा बेटा गाड़ी में ही बैठा रहा क्योंकि पार्किंग नहीं इजीली मिल रही थी। तो फिर हमने जस्ट 10-15 मिनट ही इधर पिक्स वगैरह बनाई और फिर हम लोग वापस आ गए।
और यहाँ तकरीबन 9 बजे का टाइम हो चुका था और सनसेट का मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन जॉर्ज टाउन था, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक एरिया है और यहाँ स्पेशल ये अपने रेस्टोरेंट्स और कैफ़े के लिए काफ़ी मशहूर है। और यहाँ मेरे बेटे मोस्टली आते हैं और यहाँ से खाना वगैरह खाने के लिए, तो यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए भी खाना वगैरह पैक करवाया, लेकिन अभी हमें खाना नहीं खाना था इसलिए हम लोगों ने सिर्फ पैक करवा लिया था, क्योंकि इसके बाद हमें एक और जगह पर जाना था। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलें, यहाँ से आए हैं तो खाना वगैरह बनवा कर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ ये जॉर्ज टाउन के आप व्यूज़ चेक किए, कितने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा था। और यहाँ जॉर्ज टाउन से हम लोग फारिग हो चुके थे और अब हम लोग DC से निकल चुके थे और यहाँ हम लोग टाइसन मॉल जा रहे थे, जो कि वाशिंगटन से तकरीबन 13 माइल दूर वर्जीनिया में वाक़ है, जो कि जस्ट आप 10-15 मिनट के अंदर ही जा सकते हैं। और यहाँ हम लोग टाइसन मॉल पहुँच चुके थे और यहाँ का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट और कैफ़े और शॉपिंग मॉल्स वगैरह थे। और लेकिन हमने यहाँ से यहाँ की मशहूर कॉफ़ी वगैरह ख़रीदी और इसके बाद हम लोग कैपिटल वन के टॉप रूफ़ पर आ गए थे। कैपिटल वन का टॉप रूफ़ एक शानदार मुकाम है जहाँ मुख्तलिफ तकरीबात, पार्टियों और ख़ास मौके का इनकार किया जाता है। और ये एक छत जदीद तर्ज और पुरकशिश जगह है जहाँ से वाशिंगटन DC का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है और इसे और भी मुनफरिद बनाता है, जहाँ ख़ास तौर पर VIP और प्राइवेट्स फंक्शन होते हैं। और ये मुकाम वाशिंगटन DC में खसूसी तकरीबात के लिए जाना जाता है। और यहाँ तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोगों की कोशिश थी कि यहाँ के जितने भी फेमस पॉइंट्स हैं देखने वाले, तो वो हम आज थोड़े से कंप्लीट कर लें। तो यहाँ हम लोग नेशनल हार्बर्स पहुँच चुके थे, जो कि मैरीलैंड में एक समुंदर के किनारे एक तफरीही मुकाम है। यहाँ बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरी चीज़ें बनी हुई हैं, जो कि काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और यहाँ लोग काफ़ी टाइम तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ मेरे बेटे ने हमें उतारा और इससे इसी ब्लॉक में उसके एक फ्रेंड का घर था, वो वहाँ चला गया। कहने लगा, जब आप लोग फ्री हो जाएंगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं सिर्फ 2 मिनट में ही आपके पास आ जाऊँगा। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी काफ़ी सारी पिक्स वगैरह बनाई और जो खाना हम लोगों ने जॉर्ज टाउन से साथ में पैक करवाया था, अब ज़ाहिर है मैं 11:30 बजे का टाइम हो चुका था और भूख भी लग चुकी थी, तो यहाँ हम लोगों ने वो खाना खाया। और ये बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू था, लेकिन लोग वगैरह जा चुके थे लेकिन अभी भी कुछ लोग यहीं बैठे इंजॉय कर रहे थे और हम भी यहाँ बैठकर इंजॉय कर रहे थे। और तकरीबन 12:15 बजे के करीब मैंने अपनी बेटी को कॉल कर दी थी कि हम फ्री हैं, तो वो जस्ट 1-2 मिनट के अंदर ही आ गया था और फिर हम लोग निकल पड़े थे वापस अपने घर के लिए। और वापसी पर जो सफ़र था वो बहुत इजीली गुजर गया था। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका है, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरे घर के सामने एक रिवर भी है और जंगल भी है, तो चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जैसे ही हम लोग घर से निकले थे, जस्ट हम लोगों ने रोड क्रॉस किया तो सामने ही ये जंगल स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले इसके स्टेयर के लेवल हैं, क्योंकि ये थोड़ा नीचे की तरफ है। तो ये हम लोगों ने इसको क्रॉस करते जा रहे थे और 3-4 इसके फ्लोर थे और फिर हम ज़मीन के लेवल पर आ गए थे। और यहाँ ये इतना खूबसूरत इसका व्यू था और यहाँ तकरीबन 8 बजे का टाइम हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत है इसके दरख्तों के अंदर से ये खूबसूरत सी सूरज की किरणें आ रही थी। और ये इसका जो हिस्सा है ये रॉक्स वाला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इस हिस्से में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बल्कि थोड़ा कहीं कहीं छोटी छोटी सी आबशार हैं जहाँ से पानी निकलता है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, जो मैं काफ़ी दिनों से अपनी बिल्डिंग से देख रही हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा रिवर है प्रॉपर से
वो शाइन करता हुआ मुझे अपने टॉप रूफ से भी नज़र आता है और अपनी विंडो से भी। तो मैं काफ़ी दिनों से उसी को ढूंढ रही हूँ। एक दो दफ़ा गई हूँ तो सिर्फ़ ये मुझे रॉक्स वाला हिस्सा नज़र आया था, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं इसको फाइंड आउट करके जाऊँगी। तो ये ब्रिज मैंने पहले क्रॉस किया और इससे ये वाला जो रॉक्स वाला एरिया था ये इस साइड पर था, और फिर इसको जब मैंने पूरा क्रॉस कर लिया था और जब मैंने इसे ब्रिज को क्रॉस कर लिया था तो फिर घने जंगल स्टार्ट हो गए थे। और फिर मैंने किसी से पूछा कि मुझे जो पानी वाला एरिया है वहाँ जाना है, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप हमें फॉलो करते जाएं। तो हम लोग उन्हीं को फॉलो करते, इस हाईवे के नीचे ही वो ब्रिज बना हुआ था जहाँ से हमें वो अपना व्यू मिलना था। तो यहाँ हम उस ब्रिज पर आ चुके थे और ये उसका व्यू था ब्रिज से। तो ये एक साइड पर ये रिवर था और दूसरी साइड इसकी डाउनटाउन वाली थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, बट मुझे वो वाला एरिया देखना था जो मैं अपने टॉप रूफ से देखती थी। तो फिर फाइनल मैंने इसको ढूंढ ही लिया तो ये मैं उस जगह पर पहुंच गई जो कि मैं अपने टॉप रूफ से देखती थी। और यहाँ 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग वापसी घर की तरफ निकल पड़े। और बहुत ही खूबसूरत ये छोटा सा वहाँ घर बना हुआ था और यहाँ काफ़ी अब अंधेरा हो गया था क्योंकि यहाँ तकरीबन 9:15 बजे का टाइम हो चुका था। और आप लोगों को अभी सरप्राइज़ मिलेगा, तो मैं हम लोग काफ़ी शौक हो गए। हम जा ही रहे थे तो हमारे सामने से ही डियर निकला और हमें देख कर भाग गया। तो इसके बाद हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ गए। तो ये सामने हमारी बिल्डिंग है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।